गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर। इसमें क्या है कि फाइबर से कैसे फैब्रिक बनाया जाता है, छोटे धागे से पूरा कपड़ा कैसे बनता है उसके बारे में। तो उसके लिए हमें फाइबर्स की नीड होती है। फाइबर दो तरह के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, सिंथेटिक फाइबर केमिकल बेस्ड होते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम जानना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वूल हमें किन से प्राप्त होती है। तो उन एनिमल्स के आपको मैं एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ। देखिए एनिमल्स, अंगोरा गोट, गोट है, कैमल है अपना, याक है, एल्पाका है और लामा। तो इन सबसे हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है। ठीक है, एक काम होता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है कि जो वूल है ना, उनके उनकी बॉडी पे दो प्रकार की वूल होती है, एक तो सॉफ्ट और एक थोड़ी हार्ड। ठीक है, तो इन्हीं कैरेक्टर्स को ध्यान में रख करके जब वो जब शीप की ब्रीडिंग की जाती है तो उसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, अब उनको कैसे काटा जाता है, क्या किया जाता है, उनके कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं, तो उन सब के बारे में हम जानते हैं। अब जैसे कि वूल यील्डिंग एनिमल्स हमारी कंट्री में बहुत सारी जगह पाए जाते हैं, प्लेन्स में भी हैं, तो आपके प्लेन्स वाली जगहों पे भी पाए जाते हैं, तो थोड़े पहाड़ी इलाकों में भी पाए जाते हैं। जहाँ पहाड़ी इलाकों में जो वूल पाई जाती, जो शीप्स होती हैं, गॉड्स होती हैं, उनकी वूल बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सब जगहों पर शीप को पाया जाता है। आप गडरियों को इन्हें चराते हुए देख सकते हैं, तो इनको घास पत्तियाँ वगैरह खिलाई जाती हैं। ठीक है, मैदानों में ले जाकर, और उसके अलावा भी पल्सेस वगैरह हैं, कॉर्न वगैरह हैं, ग्रेन्स वगैरह हैं, ये भी इनको खिलाए जाते हैं। ठीक है, इससे गुड क्वालिटी की वूल ओपनिंग होती है। अगर आपका एनिमल हेल्दी रहेगा तो हमें हेल्दी वूल की हमें वहाँ से मिलेगी। डिफरेंट डिफरेंट तरह के एनिमल से डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर की कलर की हमें वूल वगैरह मिलती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या जाए इनको पाला जाता है। एक ख़ास बात ये ध्यान रखें कि वूल को गर्मियों में हटाया जाता है, जिससे सर्दियों तक वो वापस से उग जाती हैं, फिर अगली गर्मी में फिर से वूल को हटा दिया जाता है। ठीक है, स्टेप वन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले शीप की जो स्किन है वहाँ से फ्लीस को हटाया जाएगा, शेयर अप किया जाएगा उसको। ठीक है, उसको हटा करके अलग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल बता रखी है, यहाँ पे कुछ शीप्स के नाम है, जैसे लोही, रामपुर, बुशहर, नाली, बकरावल, मारवाड़ी, पठानवाड़ी, तो ये कुछ शीप्स के नाम हैं, इनसे हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है। तो स्टेप वन हो गया कटिंग। स्टेप टू में क्या होगा, स्कॉरिंग, यानी कि उस जो वूल हमने ऑप्टेन कर ली उसको धोया जाएगा अच्छे से डर्ट वगैरह निकालने के लिए। स्टेप थ्री में इस वूल की सॉर्टिंग होगी, यानी कि अच्छी क्वालिटी की वूल को अलग अलग कर लिया जाता है। अब क्या होगा, स्टेप फोर में जो फ्लफ़ी वूल है, यानी कि जो मोटी मोटी है, गद्देदार वूल है, उसको अलग कर लिया जाएगा। ठीक है, वो अच्छी क्वालिटी की वूल होती है, उनसे सॉफ्ट कपड़े बनाए जाते हैं। फिर उनको अगले स्टेप में इनको डाई किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेचुरल कलर केवल इनके तीन तरह के होते हैं, ब्लैक, ब्राउन और वाइट। इनके अलावा भी हमें ऊनी कपड़े जो मिलते हैं अलग अलग कलर में देखने को मिलते हैं, तो इसलिए उनको डाई किया जाता है। डाई करने के बाद इनको यान में एकदम स्ट्रेट किया जाता है, कॉम किया जाता है, उनको लपेट के रख लिया जाता है। आप देखें इस तरह से फिगर नंबर 3.8 में शेयरिंग करके दिखा रहे हैं, 3.B में जो है स्कॉरिंग हो रही है, फिर मशीन से हो रही है, फिर इनको रोल करके रखा जा रहा है। तो इनके कुछ स्टेप्स हैं, शेयरिंग, स्कॉरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ वर्स, रोलिंग और डाइंग। इन सारे स्टेप्स में वूल को तैयार किया जाता है। आगे वाले स्टेप्स हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।